क्या बात है, क्या बात है। वाह जी वाह, बड़ा पाओ। यहाँ पे कामरा साहब करने वाले हैं टेस्ट। इसका जायका, इसका फ्लेवर कैसा है। ये है जी माशाल्लाह, ये है जो बम्बई रेसिपी है जो कि मैंने आपके साथ पाकिस्तान में शेयर कर दिया है। और इसको टेस्ट, इसका जायका कैसा है देखते हैं जनाब। ताकि नमक से ऊपर चिपक जाए। और इसकी जो खुशबू ना बहुत अच्छी आई है, मज़े की खुशबू आई है। जो बूंदी हमने तैयार की है इसी के साथ हम रख देते हैं ये अपनी। अस्सलामुअलैकुम और फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह। कामरान भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, ऐसा और मुस्कुराता रखे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती और शफा दे। जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद से नवाजे। जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटी दे। जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटा दे। अल्लाह पाक सबके दिल की ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। जो लोग कारोबार से परेशान है अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे। जो लोग बच्चे और बच्चों के रिश्ते से परेशान है अल्लाह पाक सब बच्चे के नसीब अच्छे करे और सब बच्चों के मुकद्दर अच्छे करे, आमीन। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत अल-फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक माँ बाप का साया बच्चों के सर पर सलामत रखे, अपनी जुमान में रखे। मेरी प्यारी फैमिली के बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं ऑल फैमिली के लिए। लव यू जो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और रेसिपी लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच आपके प्यार का और मोहब्बत का। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम मेरी वीडियोस रेसिपी की आपके पास आती रहे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे वड़ा पाव। और ये है जी इंडिया की रेसिपी है, बम्बई रेसिपी है, बहुत मशहूर है आजकल की जो यहाँ पे इंडिया में ये बड़ा मशहूर है जो कि पाकिस्तान में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। तो ही पाकिस्तान का वड़ा पाव खिलाओगे? बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं कि बनाए, तो चलते हैं उनकी फरमाइश पे बनाते हैं। उस में आपके साथ भी शेयर करते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। चलो जी वड़ा पाव आ जाओ फिर। माशाल्लाह जी। हाँ जी, फिर गल है कि मैं तो खावांगा तीन। तुसी कितने खा लो? एक खाओ, दो खाओ, मुझे पता है ये खाए जाने हैं क्योंकि ये बड़े मजे के हैं। तो चलते हैं रेसिपी तो बताए ना पहले क्या क्या है। रेसिपी यहाँ पे जी हमारे पास बंद है, बिल्कुल ताज़ा है, फ्रेश है बंद जी, इस तरह के बंद होते हैं। और यहाँ पे मेरे पास आलू है, इसको मैंने बॉईल कर लिया, अभी कुछ नहीं लगाया हुआ। और यहाँ पे मेरे पास है धनिया जिसको मैंने कटिंग कर लिया। यहाँ पे हरी मिर्च है, यहाँ पे बादाम है और लहसुन है, ये काजू नहीं है, लहसुन ही है, ठीक है। और यहाँ पे जी जो मसाले जाने हैं इसके अंदर, आलू के जो हम बनाएंगे उसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे है नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन। यहाँ पे मेरे पास है 2 कप बेसन। और यहाँ पे जी हरी मिर्चें हैं। और यहाँ पे जी हम बनाएंगे हरी चटनी, लाल चटनी, साथ में जी हम जो आलू की जो पेस्ट है वो तैयार करते हैं। प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो जी सबसे पहले हम बनाते हैं हरी चटनी। किसकी बनेगी? यहाँ पे जी जाएगा धनिया, धनिया जाएगा इसके अंदर। और इसके साथ हम डालेंगे यहाँ पे जी अदरक का पीस है, अदरक लहसुन के जवे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जी हरी मिर्चें हैं, ये हम डालेंगे इसके अंदर। और इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा, इसके अंदर पानी शामिल करेंगे तो इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा शामिल कर देते हैं नमक, तो जी इसको हम कर लेते हैं ग्राइंड इस तरह से। यहाँ पे जी हरी चटनी हमारी तैयार हो गई है, इसको हम डाल लेते हैं बोल में। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम बनाएंगे ये वाली जो लाल चूड़न है, इसका हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे जी। इसके अंदर डालेंगे हम यहाँ पे बादाम और ये लहसुन, लहसुन के जवे हैं और यहाँ पे बादाम है। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हम डालेंगे यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, ये होती है थोड़ी सी कलर के लिए, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा नमक, इसको ग्राइंड कर लेते हैं हम। चले जी यहाँ पे जी कढ़ाई में डाल लेते हैं ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद हम ना इसकी जो गोल है ना, जो बड़ा पाव है इसका जो गोल है वो हम तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी हल्दी, इसी के साथ इसके अंदर थोड़ा सा नमक
टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ी सी जाएगी अजवाइन। इसको हम मिक्स कर लेंगे। पानी हमने इतना डालना कि ये हमारा अच्छे से गोल्डन रेडी हो जाए। इसको हमने अच्छे से पहले मिक्स कर लेना, नमक और हल्दी को। यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन की ली है, इसका हम घोल तैयार कर लेते हैं जी। इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है आपने, सारा पानी एकदम नहीं डाल देना। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसके अंदर ना कोई गुठली ना रहे। अच्छे से ना हम इसको कर लेंगे मिक्स। और यहाँ पे ना हमारा घोल इस तरह का होना चाहिए, ना इतना ठीक होना चाहिए तो ना इतना, यहाँ पे ये देख सकते हैं पतला, ना इतना गाढ़ा होना चाहिए, ये देख सकते हैं इस तरह का होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे जी हम डालेंगे थोड़ा चुटकी, इतना सा हम डालेंगे इसके अंदर मीठा सोडा, फूलने के लिए डालेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमने डाल दिया इसके अंदर। तो अच्छा जी, इसको हमने ना जो घोल है वो तैयार कर लिया है, इसको हम कर देते हैं साइड पे। साथ में अब आ जाते हैं आलू, इसको हम मैश कर लेते हैं अच्छे से। इसको मैश कर लेते हैं सारे पोटैटो की इस तरह से, ये देखिए जी सारे मैश कर लेने मैंने इसी तरह। अच्छा जी, आलू को मैंने मैश कर दिया है, इसको हम रख देते हैं साइड पे। और यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्राइंडिंग मशीन, जिसके साथ ना आलू का हम सामान तैयार करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है जी हरी मिर्च है 3-4, और यहाँ पे जी 3-4 लहसुन के जवे हैं, और यहाँ पे अदरक के पीस, ठीक है जी। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया, तो इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे पानी, तो इसको भी हम लहसुन से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ से हम थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं तैयार। मैं इसी मैंने कढ़ाई में भी ऑयल डाला है, तो मुझे भी थोड़ा सा चाहिए, जो कि हम बड़ा जहाँ पे वड़ा पाव है तो हम रेडी करेंगे। जो मसाला मैंने यहाँ पे जी मेरे पास है जी नमक वगैरह, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और यहाँ पे अजवाइन है, इसको डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मसाले के यहाँ पे अच्छे से कर लेंगे नींबू नाई, जो यहाँ पे मैंने मसाला ग्राइंड किया था धनिया वाला और लहसुन वाला अदरक वाला, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चा पान खत्म हो जाए। अच्छा जी, इसकी भुनाई करके मसाले की, तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। और यहाँ पे जो आलू है, इसके अंदर आलू की हम जो भुजिया इसको तैयार कर लेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे सारे। तो कोशिश ये करना कि ड्राई हो, ज़्यादा नहीं हमने ऑयल डालना, तो ज़्यादा इसके अंदर पानी भी शामिल नहीं करना। जो आलू की भुजिया ना हमें खुश्क खुश्क चाहिए, ड्राई ड्राई। अच्छे से इसको सारी मिक्स कर लेते हैं, तो 2 से 3 मिनट बस इसकी मैंने ना भुनाई करनी है, बस ज़्यादा नहीं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जी हमारी आलू की भुजिया हो गई है रेडी। अच्छे से इसको 3 से 4 मिनट इसकी कर लिया भुनाई। आलू वैसे भी हमारे पके हुए थे, तो बस हम इसको डिश आउट कर लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे जी, यहाँ पे ये जो आलू की जो भुजिया हमने रेडी की है, ये ठंडी हो जाती है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे ये देख सकते हैं आलू की भुजिया रेडी हो गई है। इस दौरान आप थोड़ा सा यहाँ पे नमक चेक कर सकते हैं, कम और ज़्यादा हो तो आप इस दौरान इसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट इसका, अच्छा लगा है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे हम रख लेते हैं कढ़ाई, तो बूंदी तैयार करते हैं, जो कि हमने तैयार करना है अपना चूड़न, जो रेडी चूड़न है ना उसका तैयार करना है। किसका करेंगे जी? ये जो गोल हमने तैयार किया इसका तैयार करेंगे। इस तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हमने इसको स्टे दिया, और देखिए कितना अच्छा से ये गोल रेडी हो गया। इस तरह का हमने तैयार करना है। अच्छा जी, चेक कर लेते हैं, ये आयल गर्म हो गया हमारा। ये देखिए जी, आयल गर्म हो गया, तो बूंदी हमारी करते हैं तैयार। ये देखें, ये हमने क्या करना है जी, ये थोड़ा सा ये लेना है बेसन, तो इसको हमें इस तरह से ना बूंदी तैयार कर लेनी है, जो कि हमारी यहाँ पे जो रेड चूड़न बनना ना उसके अंदर जानी है ये इस तरह से। ये वैसे भी जो बड़ा पाव है ना उसके साथ ये ना बहुत ज़्यादा खाई जाती है और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये है जी बूंदी हमारी, इसको हम मिक्स करेंगे। ये है जी माशाल्लाह, कितनी अच्छी हमारी बूंदी यहाँ पे रेडी हो जानी है। इसको थोड़ा सा करते हैं कलरफुल, थोड़ा सा इसको चमचा वगैरह हिलाते हैं, फिर इसको निकालते हैं। यहाँ पे भी हम इसको निकाल लेते हैं, जब इसमें थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो फिर आपने इसको निकाल लेना। इसी तरह से खाली मैं निकाल लेती हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे जो बूंदी तैयार की है, ये देखिए जी बूंदी हमारी कितनी अच्छी
और कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह रेडी हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने डाला है काजू, लहसुन, जो बादाम है, और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च है, वो थोड़ा सा यहाँ पे डालते हैं धनिया। तो जी इसका हम बना लेते हैं पाउडर, जो लाल यहाँ पे तो ऐसी बूंदी डालते हैं, इसके बहुत गर्म है, तो इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। इस तरह से तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया ये लाल चूरन, तो बस जी इसको हम यहाँ से निकालते हैं और नेक्स्ट स्टेप अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी हम अपना स्टेप है ना, आयरन हमारा यहाँ पे हो गया गर्म, बिस्मिल्लाह करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बोल बना लेते हैं आलू की भुजिया के, इस तरह से बोल बना के इस शेप में इसको रखते हैं, सारे हम बोर्ड बना लेते हैं इस तरह से ना, अपनी मर्जी है, जिस तरह के मर्जी छोटे बड़े अपनी मर्जी से बना ले, इसको गोल बना ले, गोल शेप में इस तरह की शेप देखे ना, तो सारे हम यहाँ पे पटाटो के जो गोल गोल रोल है ना वो बना लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जी ग्रीन चिली को मैंने लगा लिया है कट, कट आपने लाजमी लगाना है ताकि ये पटाखा वगैरह मार देते, इसलिए मैंने ना सारी मिर्चों को ना इस तरह कट लगा लिया है, इसको और कदा फ्राई कर लेते हैं। जल्दी जल्दी निकाल लेना, आपने ये देखिए इसका कलर अब प्यारा सा हो गया, तो इसके ऊपर ना थोड़ा सा हम नमक वगैरह डाल देंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे इस तरह से, ताकि नमक इसके ऊपर चिपक जाए, और इसकी जो खुशबू है ना बहुत अच्छी आई है, मज़े की खुशबू आई है, जो बूंदी हमने तैयार की है इसी के साथ हम रख देते हैं ये अपनी हरी मिर्चें फ्राई वाली। तो यहाँ पे जी अपना जो हमने तैयार कर लिया हुआ है, इसमें लहर हमारे करते हैं, तो इसको जी तैयार करते हैं, ये आयल हमारा गर्म है, तो जो आलू की पिट्टी हमने गोल गोल रोल बना लिया, इसको हम डालेंगे, इसके अंदर डाल के अभी बड़ा बड़ा पाव को इसके ऊपर इसके अंदर डालते हैं इस तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़े प्यार से और बड़े ही प्यार से आपने डालना है इसके अंदर, तो जो मैंने बोल इसके अंदर बनाए हुए हैं सारे इसके अंदर शामिल कर देंगे, आराम से ही प्यार से हाथ के ऊपर चिंगे ना पड़े आपके, जिसको तजर्बा हो ना वो, जिसको नहीं अगर तजर्बा वो चम्मच के साथ डाल सकता है इसी तरह से। और यहाँ पे माशाल्लाह से पहले हम इतने बना रहे थे, बाद में हम और बनाएंगे, इसको हम जी इधर से पलट देते हैं इस तरह से, वो माशाल्लाह माशाल्लाह लुक तो इसकी बहुत मज़े की आई है। इसको हम अच्छे से कुक करते हैं, जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा गोल्डन सा, भी हम इसको निकालेंगे, इसका कलर प्यारा सा हो गया है जी, इसको हम कर लेते हैं डिश और इसको निकाल लेते हैं, ये देखिए कितना प्यारा कलर हो गया जी वड़ा पाव, इसको निकाल लेते हैं और जो ऑयल है अपना साफ कर लेते हैं इस तरह से, इसको हम करते हैं साइड पे और इसके ऊपर रखते हैं पैन, पैन में जो हमारे पास है जी। तो जी फ्रेंड यहाँ पे जी अपनी तैयारी करते हैं, इसको तैयार शुरू करते हैं, यहाँ पे जी इसको पीस को गर्म कर लेते हैं और यहाँ पे भी गर्म कर लेते हैं, इसको हल्का सा सेक लेते हैं ना, तो फिर हम बड़ा जो वड़ा पाव है इसको हम तैयार करते हैं जी, हल्का सा इसको सेक लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे जी हल्का सा इसको सेका हमने लगा लिया है, यहाँ पे रखते हैं यहाँ पे और इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और तैयार करते हैं, इसको रखते हैं जी हम लगाते हैं जी अपनी हरी चटनी, जो कि हमने यहाँ पे माशाल्लाह तैयार की है, इसी तरह से ना सारी चटनी यहाँ पे भी डालते हैं, यहाँ पे जी हमने हरी चटनी लगा दी है और यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास चटनी है, केचप है, अगर आपका दिल है आप मायनीज वगैरह चटनी जो भी लगाना चाहिए आप लगा सकते हैं, यहाँ पे मैंने केचप लगाई है, इसी तरह से हम डालेंगे जी इसके ऊपर वड़ा पाव जो कि हमने यहाँ पे तैयार किया, लुक तो इसकी बहुत मज़े की लग रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी हमारी ग्रीन चिली, मज़े की लग रही है ऐसे लुक इसकी, और यहाँ पे जी हमारा बड़ा पाव हो गया रेडी, लुक इज़ यमी वेरी वेरी, ये देख सकते हैं माशाल्लाह, इसको ट्राई करना है कामरा साहब, इसको खा के बताते हैं कि जो इसका टेस्ट इसका जायका कैसा है,
तो इसके ऊपर कुछ पाउडर डालना था हमने, जो लाल चूड़ा हमने बनाया वो तो डाले नहीं। हाँ जी डालोगे तो ऐसे खाओगे। लाल चूड़ा तो भूल गए यहाँ पे, ये देखिए जी जो लाल चूड़ा ने इसके ऊपर डालना है, यहाँ पे हम लगाते ताकि चिपक जाए ना। आपने मुझे बताया नहीं कि लाल चूड़न भी डालना। कोई बात नहीं, ऐसे ही क्या कि चलो एक बार लुक तो दसते हैं, लाल चूड़न की लुक आ जाएगी। वाह जी वाह, अब हुई ना बात। बड़ा पाओ लाल चूड़न वाला बन गया ना, लाल चूड़न वाला, ये ग्रीन चिली वाला जनाब इसको करने वाले हैं टेस्ट। भी फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर दिया है जनाब। आइए जरा पहले टेस्ट करें, मुझे बताइएगा जायका और टेस्ट कैसा है।